नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी रसीद छपवाकर पैसा वसूली करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला बर्रा के दामोदर नगर का है, जहां पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि संग्रहित की जा रही है। देश भर में हिंदू संगठन के लोग सहयोग राशि एकत्रित कर रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर अवैध वसूली कर रहे विश्व हिंदू परिषद के प्रदीप सिंह को सूचना मिली कि राम मंदिर निर्माण को लेकर फर्जी रसीदें छपवाकर क्षेत्र में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर फर्जी चंदा वसूल कर रहे थे। संगठन के अध्यक्ष ने देखा तो एक हिंदू संगठन के चंद्र प्रकाश त्रिपाठी द्वारा रसीदें क्षेत्र में बांट रहे थे और अपने सदस्यों द्वारा अवैध रसीदें छपवा कर वसूली करवा रहे थे। तभी विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने अवैध वसूली करते हुए अशोक राजपूत को पकड़ लिया और उसका वीडियो बनाकर और उसके पुलिस को सूचना देकर पुलिस को सौंप दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कानपुर के बर्रा थाना पहुंचकर अवैध वसूली बाजों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आम जनों से अपील की है कि कोई भी फर्जी रसीद बुक बनाकर पैसे की मांग करता है तो इसकी तुरंत जानकारी दे, मामले की स्थानीय थाने में शिकायत करे। पूरे मामले के खुलासे की जांच में पुलिस लगी हुई है। मुझको सूचना मिली कि राम मंदिर के नाम पर कुछ लोग फर्जी रसीदें छपवा के अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से, और ये जो चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और पब्लिक की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग फर्जी रसीदें इसमें छपवा के, और चूंकि ऊपर से भी निर्देश मिला हुआ था इसमें कि केवल एक ही रसीद इसमें चलेगी, वही रसीदें पब्लिक के बीच में जानी चाहिए, कोई भी आदमी या कोई भी संगठन अपनी रसीदें छपवा के इसमें वसूली या चंदा इकट्ठा नहीं करेगा।